ब्रेकिंग हापुड़। हापुड़ जनपद में हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार की भिड़ंत में 3 की मौके पर मौत और 2 गंभीर घायल। बाबूगढ़ पुलिस ने स्विफ्ट कार में फंसे शवों को गैस कटर की मदद से कार की खिड़कियों और छतों को काटकर शवों को बाहर निकाला। स्विफ्ट कार सवार अपने पिता की अस्थियां विसर्जन करने गढ़मुक्तेश्वर जा रहे थे। बाबूगढ़ थाने के कुचित्र चोपला के पेट्रोल पंप के कट के सामने का मामला। पिता की अस्थि बनी बेटे की मौत की वजह। नेशनल हाईवे 9 पर भीड़ सड़क हादसे का हुआ शिकार। ट्रक और गाड़ी की हुई भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत। घंटों के रेस्क्यू के बाद 2 लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों घायलों को की हालत गंभीर। हरियाणा से यूपी के हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर में अस्थि विसर्जन करने आए थे कार सवार। हापुड़ दुर्घटना का विवरण। 8 तारीख 5 महीना 2020 आज सुबह 4 बजे स्विफ्ट कार नंबर HR12U4040 से सुंदर अपने पिता का फूल लेकर जातुलवारी भिवानी से गढ़मुक्तेश्वर जा रहे थे। रास्ते में कुचेसर चोपला से आ गए शिवा ढाबे के सामने कैंटर संख्या UP15DT5848 में टक्कर हो गई, जिसमें स्विफ्ट कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कार में सवार 3 व्यक्तियों, 1 सुंदरपुत्र निवासी, 2 संजय पुत्र विवंबर, 3 ड्राइवर सुरेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभु निवासी गढ़ जातुलवारी भिवानी के मौके पर ही मौत हो गई, जिन्हें कार से काट कर निकाला गया और कैंटर के चालक की हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल में भेजा गया। ड्राइवर का पता सही तस्दीक होना बाकी है। हादसा हुआ है, इसमें कितने लोग थे और कहाँ के थे लोग? अभी थोड़ी देर पहले ही इधर जो है बाबूगढ़ और सिंभावली बॉर्डर पे एक टेंटर और कार से टक्कर हो गई, जिसमें कार में 3 लोग थे, 3 लोगों की डेथ हो गई है और जो टेंटर में 2 लोग थे वो घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो जिनकी डेथ हुई है उनका पता किया जा रहा है, अभी कन्फर्म नहीं हो पाया कि वो कहाँ के हैं। गाड़ी पे नंबर हरियाणा का पड़ा हुआ है, हम लोग उस पर तस्दीक कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा सूचना आपको।